सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानी अंदोलन दी, जिस दे विच केंद्र सरकार दी दबण वाली नीति हुण पूरी तरह फेल हुंदी दिखाई दिंदी है। हरियाणा ने उबाला मारिया है अते बार्डरां ते इकट्ठ लगातार वधदा दिखाई दिंदा है। बीजेपी नूं झटके लगदे दिखाई दिंदे ने। जिहड़े किसान लापता होए ने उहनां नूं लब्भण दे लई हुण चाराजोई शुरू हुंदी दिखाई दिंदी है। लखा सिधाणा ने किसान आगूआं नूं की अपील कीती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह एक्शन दे विच आउंदे दिखाई देंदे ने। सुखबीर सिंह बादल केड़े बार्डर ते पहुंच गए ने तुहानू सारी जानकारी दिंदे आ सौखी भाषा अते घट समय दे विच दिंदे आ। पर सब तो पहला शुरुआत करदे आ किसानी अंदोलन दे नाल जुड़ी सब तो वड्डी खबर तो। जदों गलबात दा दौर फेल हो गया तां केंद्र सरकार दे वल्लों किसानी अंदोलन नूं दबण दीआं कोशिशां शुरू कर दित्तीआं गईआं। कई तरहां दे हमले भी अपने वर्करां अते लीडरां दे जरिए किसान अंदोलनकारियां ते करवाए गए। बहुत सारे किसान आगूआं नूं नोटिस भी भेजे गए, परचे भी कटे गए, गिरफ्तारियां भी हुई, पर इस सब का उल्टा असर हुंदा दिखाई दिंदा है। खास तौर पर पंजाब अते हरियाणा अपने पैरां सिर हुंदा दिखाई दिंदा है। 26 जनवरी दीआं घटनावां तो बाद कुछ लोगों के निराशता फैल गई सी, पर एक बार फिर तो लोग बड़े जोशो खरोश दे नाल दिल्ली दे बार्डरां ते पहुंचते दिखाई देंदे ने। खास तौर पर जेकर गल की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा के पिंडां दे विच पंचायतां होण दा दौर एक बार फिर तो शुरू हो गया है अते पंचायतां दे विच मते पाए जाण लगे ने कि दिल्ली दे बार्डरां ते जरूर जाना है, जिसका असर मतियां दा असर भी हुण बार्डरां ते वेखण नूं मिल रहा है। हरियाणा दे विचों हजारां दी गिणती दे विच ट्रैक्टर अते ट्रालियां बार्डरां ते पहुंचण लग पए ने, जिन्हां दे विच सब तो ज़्यादा गिणती नौजवानां अते औरतां दी देखी जा सकती है। बहुत सारियां वीडियोज़ भी सोशल मीडिया से वायरल हुंदियां दिखाई दिंदियां ने। जेकर गल कर रहे हैं हरियाणा की, तो हरियाणा के वलों पूरी तरह अपने किसानी अंदोलन दे विच साथ देण दी कोशिश की जा रही है। सख्त बैरीगेटिंग करन दे करके बार्डरां ते पानी अते दुध लस्सी की किल्लत आउंदी दिखाई दिंदी सी। जिहड़े लोग हरियाणा तो अंदोलन दे विच शमूलियत करन लई आ रहे ने वह दुध लस्सी अते पानी लैके भी आ रहे ने। केंद्र सरकार नूं इसलिए भी कोसिया जा रहा है कि इन्नी वड्डी सरकार है, पूरा देश चलाउंदी है, दुनिया का सब तो वड्डा लोकतंत्र मन्या जांदा है अते पानी तक ते रोक केंद्र सरकार दे हुक्मां ते ला दित्ती गई है। इन्हां केंद्र सरकार नूं नहीं डिगना चाहीदा सी। पर जेकर गल हरियाणा दे पिंडां दी कर रहे हां तां पंचायतां दा दौर लगातार जारी है अते इन्हां पंचायतां दे विच भाजपा नूं अते जेजेपी नूं झटके लगदे भी दिखाई दिंदे ने। फतेहाबाद दे पिंड दौलतपुर दे विच अज एक पंचायत की गई है जिथे भाजपा नूं बहुत तगड़ा झटका लगता दिखाई दिंदा है। भाजपा दे साबका विधायक अते सीनियर आगू बलवान सिंह दौलतपुरिया दे वल्लों पार्टी नूं छड़ दिता गया है। उन्होंने अस्तीफा दे दिता है अते किसानी अंदोलन नूं समर्थन देने का ऐलान उन्होंने वल्लों कर दिता गया है। उन्होंने साथियों ने भी भारतीय जनता पार्टी छड़ दिती है। बलवान सिंह दौलतपुरिया कहिंदे ने कि हुण समा आ गया है, हुण किसानां दे नाल खड़ना चाहीदा है अते भाईचारक एकता दा संदेश देना ही पैना है। भाजपा छड़दे आं अते किसानी अंदोलन दे विच साडे वल्लों हुण वध तों वध योगदान पाउण दी कोशिश की जाएगी। अजिही पंचायत हरियाणा दे इक होर पिंड बीराबद्दी दे विच वी की गई जिथे वड्डा झटका जेजेपी नूं लगदा दिखाई दिता। जेजेपी दे यूथ आगू अजय संधू दे वल्लों किसानी अंदोलन दा समर्थन करन दा ऐलान कर दिता गया। वह भी कहिंदे ने कि जेकर किसानां दा साथ ही असी नहीं देंगे तो असी फिर पॉलिटिक्स करके करना भी की है, पार्टियां बाद दे विच ने पर किसान पहला ने, इसे करके जेजेपी नूं भी हुण झटके ते झटका लगता दिखाई दिंदा है। क्योंकि जेजेपी तो उम्मीद की जा रही थी कि वह हरियाणा दे विच गठजोड़ की सरकार सुट देंगे जां फिर प्रैशर बना के किसानां दीआं मंगां मनवाउणगे, पर उन्होंने कुछ भी अजिहा नहीं किया। दुष्यंत चौटाला नूं कुर्सी ज़्यादा प्यारी जापदी है, इसे करके ही उन्होंने वालों कोई भी एक्शन कोई भी स्टैंड इस मसले पर नहीं लिया गया। इसे करके ही हूँ जेजेपी के लीडर भी अपनी ही पार्टी तो दुष्यंत चौटाला तो बागी होंगे दिखाई देंदे ने। हरियाणा तो अगे वधदे आ पंजाब दे वल, अगली खबर दे वल वधदे आ। जेकर पंचायतां हरियाणा दे पिंडां विच हो रही ने तो पिछे पंजाब भी नहीं है। पंजाब दे पिंडां विच वख-वख तरह के मते पाए जाण लग पए ने कि जेकर कोई दिल्ली नहीं जाता उसनूं जुर्माना लाया जाएगा, जेकर कोई अपना ट्रैक्टर लैके नहीं जाता तो ट्रैक्टर का वखरा जुर्माना लाया जाएगा। पर आप मुहारे ही लोग एक बार फिर तो बार्डरां ते इकट्ठे हुंदे दिखाई देंदे ने। पर लीडरां दे विच किसान आगूआं दे विच इस वेले इकट्ठ
नहीं दिस रहा। जिस तो बाद लोग निराश होंदे भी दिखाई देंदे ने, क्योंकि जदों हमला होया सी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की स्टेज ते उस तो बाद संयुक्त किसान मोर्चे ने कह दिता कि साडा उस हमले दे नाल कोई भी वाह वास्ता नहीं है। जिस तो बाद बार्डर ते बैठे लोग भी कुछ उदास होंदे दिखाई देंदे ने कि असीं तां इकट्ठ करना चाहुंदे आ, एकता करना चाहुंदे आ, पर साडे लीडर की करदे फिरदे ने। लखा सिधाणा दे वल्लों सिंघू बार्डर तो एक वीडियो जारी कर दिती गई जिस दे विच उन्हां ने एकता करन दा संदेश दिता है। उन्होंने किसान आगुआं नूं अपील की है कि जिहड़ी भी आपस दे विच कोई खुंदक कढ़नी है वह बाद विच कढ लवांगे, पर हुण केंद्र सरकार ने दबण की नीति अपना ली है ते जेकर आपां एका ना कीता तां अपने अंदोलन नूं नुकसान हो सकता है। लखा सिधाणा का कहना है कि जदों मैं इकले इकले लीडर दे कोल गया, किसान आगू दे कोल गया, तां उन्होंने कह दिता कि वह एक एक करके कुछ भी नहीं कर सकते, हुण उन्हां नूं करना यह चाहिए है कि एक मीटिंग आपस दे विच संयुक्त किसान मोर्चे की कर लेनी चाहिए है, उस तो बाद एक वीडियो किसान एकता मोर्चा के फेसबुक पेज पर पा देनी चाहिए है, जिस दे विच वह लखा सिधाणा के बारे अपना फैसला दस सकते हैं कि वह लखा सिधाणा के नाल मिलना चाहते हैं जां फिर नहीं, क्योंकि लखा सिधाणा लगता है कि इस वेले जेकर आपां एक दूजे ते ही दूषणबाजी करांगे तां उसका फायदा केंद्र सरकार नूं मिलेगा। मीटिंग करनी चाहिए है, मिल बैठ के बैठना चाहिए है अते कोई ना कोई अगली रणनीति तय करनी चाहिए है, नहीं तो इदा ही एक दूजे ते ही इल्जाम आपां लाई जावांगे तो इस दे नाल अपने अंदोलन नूं नुकसान हो सकता है, ढाल लग सकती है, मोदी सरकार नूं इस जो पाड़ पिया है उसका फायदा हो सकता है। लखा सिधाणा एकता दीआं अपीलां करदे दिखाई दिंदे ने। अगली खबर दे वल वधदे आं। केंद्र सरकार दे वल्लों गलबात फेल होने तो बाद कुटमार वाली रीति अपनाई गई तो उस दे विच बहुत सारे काम किए गए। एक तो कुटिया गया किसानों नूं, फिर उन्होंने परचे किए गए, फिर कई ही चुक लिया गया। दिल्ली पुलिस से बहुत वड्डे इल्जाम इस वेले लगते दिखाई देते हैं कि उन्होंने वल्लों कुछ लोग अजिहे भी चुक ले गए ने जिन्हां बारे जानकारी भी उन्होंने परिवार वालों नहीं दिती गई है, जिन्हों इस वेले लापता दसिया जा रहा है। यही नहीं, 26 जनवरी की घटना तो बाद भी 100 तो वध किसान लापता दसे जा रहे हैं, जिस तो बाद वो मुद्दा भी उठता दिखाई देता है। पर जिहड़ी कुटमार लगातार भाजपा के लीडर अते वर्कर बार्डर ते पहुंच जाते हैं, अपने आप नूं दिल्ली दे लोकल वासी दसते हैं अते उन्हां नूं किसानां नूं भाव कुटन लग पैंदे ने दिल्ली पुलिस दे नाल मिलके। इस मुद्दे नूं लैके पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे अगे अपील आम आदमी पार्टी दे पंजाब दे सह इंचार्ज राघव चड्डा दे वल्लों कर दित्ती गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं एक चिट्ठी लिखी है जिस दे विच मंग की गई है कि सिंघू बार्डर ते किसानां दी रक्षा दे लई कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पंजाब पुलिस तैनात कर देनी चाहिए है, क्योंकि उत्थे हिंसा का खतरा है, लोग सहमे हुए ने, अपने हकों लिए आए ने, पर हुण मोदी सरकार कुटमार से उतर आई है, हिंसा से उतर आई है, दबण की नीति से उतर आई है, की किया जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कदम चुकना चाहिए है, पंजाब पुलिस तैनात कर देनी चाहिए है दिल्ली दे बार्डर ते। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जवाब भी दे दिता है, वह कहिंदे ने कि आम आदमी पार्टी नूं कानून बारे पता होना चाहिए है, कोई भी स्टेट दूजे सूबे दे विच अपनी पुलिस तैनात नहीं कर सकता है, जे मैं कर भी दिंदा हाँ तो 72 घंटे तो वध साडी पुलिस उन्हां बार्डर ते नहीं रह पाएगी। आम आदमी पार्टी नूं पहलां संविधान पढ़ लेना चाहिए है, कानून पढ़ लेना चाहिए है, उस तो बाद ही अजिही कोई मंग करनी चाहिए है। कांग्रेस पार्टी के वल्लों भी बयान आया है। राजकुमार वेरका कहिंदे ने कि क्यों ना अरविंद केजरीवाल ही अपना वलंटियरां दा एक ग्रुप उत्थे तैनात कर देण, उन्होंने तो कुछ भी अजिहा नहीं किया, उन्होंने तो मोदी सरकार का विरोध भी चंगी तरह नहीं किया, मोदी के एजेंट बने फिरते हैं, सलाह कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं देंदे फिरते हैं। इस तरह कांग्रेस पार्टी के वल्लों आम आदमी पार्टी की इस मंग नूं पूरी तरह खारिज कर दिता गया है। अगली खबर के वल वधदे आं जिहड़ी कि किसानां दे लापता होण नाल ही जुड़ी हुई है। 26 जनवरी की घटना तो बाद 100 तो वध किसान लापता दसे जा रहे हैं, जिस बारे हुण माहौल भखदा दिखाई दिंदा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे अगे अर्जियां आउण लग पईआं ने, चिट्ठियां आउण लग पईआं ने, चिट्ठी किसे होर ने नहीं, पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा मैंबर प्रताप सिंह बाजवा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं एक चिट्ठी लिख दिती है, जिस दे विच उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह तो मांग की है कि जो भी
मुख मंत्री होने के नाते कैप्टन अमरिंदर सिंह कर सकते ने उन्हां नूं करना चाहिए है केंद्र सरकार दे नाल राबता करके उन्हां लोकां दा पता लाया जाना चाहिए है क्योंकि वह ज़्यादातर लोग पंजाब नाल ही संबंध रखते हैं जिन्हां बारे अजे तक कुछ भी पता लोगों नूं उन्हां दे परिवारक मैंबरां नूं नहीं लग सकिया कि आखिर वह गए कित्थे ने। दिल्ली पुलिस ने भी इस बारे कोई भी जानकारी नहीं दिती है तो फिर पता किवें लगेगा कि 100 तो वध किसान गए कित्थे ने। जेकर गल करिए संयुक्त किसान मोर्चे की तो वह इसलिए इन्हां लोकां दी पैरवाई नहीं कर रहे क्योंकि उन्हां दे अनुसार जिहड़े लाल किले वल नूं गए सन वह किसान ही नहीं उन्हां ते कार्रवाई होनी चाहिए है। इस करके किसान आगू उन्हां दी पैरवाई नहीं कर रहे अते उन्हां लोकां दा अजे तक नहीं पता है कि वह गए कित्थे ने उन्हां नूं लापता दस्या जा रहा है। प्रताप सिंह बाजवा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दे कोलों मांग की है कि पंजाब दा मुखिया होने के नाते उन्हां नूं केंद्र सरकार दे नाल गलबात करके ये सारे मसले नूं सुलझाउणा चाहीदा है। पिछे आम आदमी पार्टी भी नहीं है आ पंजाब दे प्रधान भगवंत मान दे वल्लों भी एक वीडियो जारी की गई है जिस दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं खरियां खरियां भी सुनाईयां गईयां ने अते अपील भी की गई है कि पता लाया जाना चाहिए है कि इन्ने किसान आखिर गए कित्थे। भगवंत मान का बयान तुहानू सुना दिंदे आ। अमित शाह नाल तुरंत गल करनी चाहिए है, मोदी नाल मिलके तुहानू इह सारा जिहड़ा मसला है वो क्लीयर करना चाहिए है। अंदोलनकारी सड़कां ते बैठे ने अज भी कदे भी रात नूं आके उत्थे हमला कर देंदे ने किसी नूं भी फड़ के लै जांदे ने अणपछात्यां ते FIR करतीआं और अणपछात्यां च कोई भी हो सकदा है। पंजाब दे विच दिल्ली दी पुलिस जिहड़ी छापे मारी जांदी है तुहानू पता ही नहीं लगता। तुसी प्रस्ताव की पास किया होया कि CBI सानू पुछ के पंजाब आवे दिल्ली दी पुलिस जिहड़ी है वह पंजाब च फिरदी है तुहानू कुछ पता नहीं। पता है तुहानू भी सारा पता है तुसी मिली भुगत करके काम करवा रहे हो। कृपा करके पंजाब दे जिन्ने भी नौजवान इत्थे वख-वख थाणे जां जेलां च जां गैर कानूनी तौर ते हिरासतां च लए हुए ने उन्हां नूं छुड़वाओ उन्हां दे परिवारां नाल उन्हां दा मेल कराओ ते अमित शाह ते मोदी नाल गल करके तुसी इस मसले दा हल कराओ नहीं तां तुहानू आउण वालियां पीढ़ियां ने माफ नहीं करना। तुहानू लोकां ने लानतां पाउणियां ने कि तुहाडे राज दे विच उत्थे हो की रहा तुसी कदे इक दिन आके भी नहीं बैठे। आपदे मुंडे दे केस क्लीयर करवाउण वास्ते अमित शाह नूं मिले हैलीकाप्टर नहीं नाल ही वापस पंजाब दे धीआं पुत लावार छड्डते। कैप्टन साहब वक्त बहुत वड्डी चीज है वक्त तों डरो। इस करके आ पंजाब दे धीआं पुत जिहड़े इस वक्त नजायज़ थाणियां दे विच बंद ने जेलां च बंद ने जां होर पता नहीं कित्थे कित्थे रखे हुए ने किवें उन्हां ते हर रोज उन्हां ते अत्याचार दीआं वीडियो आउंदीआं ने तुरंत अमित शाह नाल गल करके तुरंत मोदी नाल गल करके मसला हल करो। इस सब दे विचकार जदों सवाल पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उठ रहे ने उन्हां दे अगे अपीलां कीतीआं जा रहीआं ने तां कैप्टन अमरिंदर सिंह भी एक्शन दे विच आउंदे दिखाई देंदे ने। उन्होंने 2 फरवरी नूं पंजाब दी ऑल पार्टी मीटिंग सद ली है जिस दे विच ओह कहिंदे ने कि जिहड़ी मौजूदा स्थिति है किसानी अंदोलन दी उस बारे चर्चा की जाएगी आओ सारियां पार्टियां बैठते हैं अते अगली रणनीति तय करते हैं। पर आम आदमी पार्टी ने फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह ते ही सवाल चुक दिते ने। पंजाब दे विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सर्व पार्टी बैठक क्यों सदी है जिहड़ी पहली मीटिंग सदी गई सी उस दीआं गल्लां तां अजे तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुगाईआं नहीं अते होर मीटिंग सद ली है। LOP का कहना है कि पिछली मीटिंग दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह वादा किया सी यह मता पकाया सी कि आपां सारे लीडर जावांगे देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं जाके मिलांगे अते उस वफद दी अगवाई कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों कीती जाएगी पर अजे तक नहीं मिले। बाकी पार्टियां दे लीडरां नूं नाल लैके तां की जाणा सी आप भी जाके प्रधानमंत्री मोदी नूं नहीं मिल के आए कि किसानी अंदोलन दा हल कीता जाणा चाहीदा है। जेकर पिछली मीटिंग दा ही कोई इन्हां ने लाज नहीं रखी है कोई मता नहीं पगाया है तां हुण फिर अगली मीटिंग दे विच की होएगा। इस तरां आम आदमी पार्टी नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह तों कोई भी आस उम्मीद अते ऑल पार्टी मीटिंग तो भी कोई आस उम्मीद आम आदमी पार्टी नूं नहीं जापदी है। अगली खबर दे वल वधदे आं। जेकर केंद्र सरकार दे वल्लों किसानां दे प्रति सख्त रवैया अपनाया जा रहा है कुटिया जा रहा है परचे दर्ज किए जा रहे हैं होर भी काफ़ी कुछ नीतियां अपनाईया जा रही ने तां दूजे पासे बख्शिया पत्रकारां नूं भी नहीं जा रहा। सिंघू बार्डर तो खबरां आईयां कि पत्रकार मनदीप पुनिया नूं हिरासत विच लै लिया गया है दिल्ली पुलिस दे वल्लों। पहलां तां दिल्ली पुलिस दे वल्लों अजिही कोई भी खबर दसी नहीं गई कि हाँ असीं गिरफ़्तार कीता है जां फिर नहीं। पहलां तां इह खबरां आईयां कि सिंघू बार्डर तो पत्रकार मनदीप पुनिया
गायब हो गए ने। उस तो बाद पता लगा कुछ वीडियो सामने आई कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के वालों गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने नाल एक होर पत्रकार नू भी गिरफ्तार किया गया सी, पर उन्होंने अज सवेरे रिहा कर दिया गया। पर मनदीप पुनिया ते दिल्ली पुलिस ने यह आरोप लाए ने, यह दोष आयद किए ने कि उन्होंने वालों दिल्ली पुलिस के मुलाजमान के नाल दुरव्यवहार किया गया है। पर किसान कह रहे हैं कि जेडे पत्रकार केंद्र सरकार के खिलाफ अते दिल्ली पुलिस के खिलाफ खबर ला रहे हैं उन्होंने खिलाफ बदलाखोरी के तहत एक कार्रवाई की जा रही है। मनदीप पुनिया के हक के पत्रकार भाईचारे के वालों दिल्ली पुलिस के हैडक्वाटर के सामने एक रोस प्रदर्शन भी किया गया है। इस रोस प्रदर्शन की वीडियो देश के उगे पत्रकार रवीश कुमार के वालों अपने फेसबुक हैंडल से शेयर की गई है। वह भी कहते हैं कि पत्रकारिता अजे जिंदा है, इस तो पता लगता है। ताही पत्रकार ने मनदीप पुनिया के बारे आवाज चुकी है। दिल्ली पुलिस को रिहा कर देना चाहिए, अजिही मंग प्रदर्शनकारियों के वालों की गई। गल करिए द वायर दे संपादक उन्होंने भी परचा यूपी पुलिस दे वल्लों दर्ज कर लिया गया है। उन्हों का नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। उन्होंने ये कह के परचा दर्ज किया गया है कि 26 जनवरी वाले दिन इन्होंने वालों खबर चला दी गई सी। किस बारे? दिल्ली पुलिस की गोली के नाल एक किसान की मौत हो गई है लाल किले ते, उस बारे खबर द वायर ने चला दी सी। इसे करके ही द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से FIR दर्ज कर ली गई है। की तरह लाइया गई ने देश नू भड़काउण दियां अराजकता फैलाउण दियां धरावां द वायर के संपादक से ला दित्तियां गईयां ने। इस तो इलावा इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई बारे भी खबर आ रही ने कि उन्होंने खिलाफ भी कार्रवाई इंडिया टुडे वालों कर दी गई है। उन्होंने भी यही खबर चला दी सी कि दिल्ली पुलिस की गोली के नाल एक किसान की मौत हो गई है इंडिया टुडे वालों, जो कि खबर आ रही ने। हालांकि इंडिया टुडे ने पुष्टि नहीं की है, पर खबर ये आई कि इंडिया टुडे वालों 2 हफ्ते दे लई राजदीप सरदेसाई नू टीवी ते आउण तो मना कर दिता गया, रोक ला दी गई, उन्होंने ऑफ एयर कर दिता गया। उन्हां दी 1 महीने की तनख्वाह भी इंडिया टुडे वालों, जिन्हां दा आज तक चैनल है, उन्होंने वालों कट ली गई है। इस तरह जिहड़ा भी दिल्ली पुलिस के खिलाफ बोलता है उस ते कार्रवाई की जाती है, भावें कि पुलिस दे वालों की जाए, भावें फिर चैनल दे वालों की जाए, पर कार्रवाई जरूर होंदी है। केंद्र सरकार ते दिल्ली पुलिस ते देश दे मीडिया ते वड्डे सवाल उठते दिखाई देंदे ने। अगली खबर दे वल वधदे आ। गाजीपुर बार्डर ते लीडरां दी आवाजाई दा सिलसिला रुकदा दिखाई नहीं देंदा है। राकेश टकैत दी वीडियो वायरल हुई, गाजीपुर ते धरना होर भी वड्डा हो गया। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अज राकेश टकैत नूं सिरोपाओ पा के सन्मानित किया है। वह कहिंदे ने मैं पंजाब के किसानों वालों राकेश टकैत नूं वधाई देण आया, उन्हां दा धन्नवाद करन आया कि उन्होंने इन्ना वड्डा स्टैंड लिया है ते किसानी अंदोलन दे विच अपना इन्ना वड्डा योगदान पाया है। सुखबीर सिंह बादल कहिंदे ने कि मेरे पिता प्रकाश सिंह बादल अते राकेश टकैत दे पिता महेंद्र सिंह टकैत ने किसानों दे लई बहुत काम किया है, इस करके उन्हां दा बड़ा पुराना रिश्ता है। इस करके ही उन्हां दे जज्बे नूं सलाम करन दे लई गाजीपुर बार्डर ते सुखबीर सिंह बादल गए सन। इस तरह लीडर लगातार राकेश टकैत दे कोल जाके उन्हां नूं हल्लाशेरी दिंदे दिखाई दिंदे ने। ये सन कुछ वो खबर जो तुहाड़े लिए जाननियां बहुत जरूरी सन। इन्हां खबरों विचों किसी खबर बारे जां फिर पंजाबी प्राइम टाइम बारे तुहाड़ी कोई भी राय जां सुझाव है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। इस तरह ही जेकर हर खबर नूं निरपक्षता नाल देखते रहना चाहते हो, यूट्यूब ते द पंजाब टीवी दे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल वाला बटन जरूर दबा लैणा, फेसबुक ते द पंजाब टीवी दा पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजर होवांगा। तुसीं देखदे रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।